तो आज सुबह सुबह मैं दूध और बिस्कुट लेने के लिए मार्केट जा रहा था, पर थोड़ी देर बाद मुझे अपनी गाड़ी को ब्रेक लगाना पड़ता है क्योंकि मुझे पता चलता है आगे रास्ता बंद है, रोड के ऊपर कंस्ट्रक्शन का काम शुरू था। बाजू में एक कच्चा रास्ता था तो मैं तुरंत अपनी गाड़ी को मोड़ता हूँ और कच्चे रास्ते की तरफ निकल पड़ता हूँ। पर जब मैं कच्चे रास्ते से जा रहा था अचानक मेरे सामने एक हिरन आ जाता है और उसको बचाने के चक्कर में मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है और मैं खाई में गिर जाता हूँ। मैं सेफ तो था लेकिन मेरी गाड़ी को बहुत नुकसान हो गया था। उसके बाद जैसे मैं अपनी गाड़ी से बाहर निकलता हूँ मुझे एक टूटी फूटी स्कॉर्पियो झाड़ियों के बीच में दिखाई देती है। अब इसको देखते ही मैं समझ जाता हूँ कि मैं इसे रिस्टोर कर सकता हूँ। तुरंत अपने दोस्त को फोन करके बुलाता हूँ और फिर दोनों कार्स को ट्रक पे लोड कर देते हैं और सीधा पहुंच जाते हैं बबलू मैकेनिक की वर्कशॉप पे। वहाँ पे पहुंचने के बाद मैं बबलू मैकेनिक को पूरा बता देता हूँ कि इस गाड़ी को पूरी तरीके से रिस्टोर करने का है और इसको नई जनरेशन भी बनानी है। फिर उसके बाद बबलू मैकेनिक सारी कार के पार्ट्स वगैरह बुलाता है, जैसे कि नए वाले अलॉय व्हील, नया वाला स्टीयरिंग व्हील, नया वाला बम्पर, नया वाला इंटीरियर, नए वाले लाइट्स, नए वाले बूट, नई वाली ग्रिल और भी बहुत सारी चीजें मंगा लेते हैं। और ये सारी चीजें मंगाने के बाद हमारी स्कॉर्पियो पे काम शुरू हो जाता है। इसको रिस्टोरेशन में टोटल 4 हफ्ते लगेंगे। अब रिस्टोर होने के बाद अपनी गाड़ी कैसे दिखेंगे अगर ये जानना चाहते हो तो पिन कमेंट वाली वीडियो देख लो। बहुत ही धमाकेदार लुक आया था अपनी स्कॉर्पियो।